हेलो दोस्तों, यूपीएससी कंपलसरी इंग्लिश ग्रामर में आपका फिर एक बार स्वागत है। हम देख रहे हैं कि कैसे लॉजिक के आधार पर हम हमारी इंग्लिश की पढ़ाई को बहुत ही आसान करने के साथ साथ बहुत एंजॉयबल भी कर सकते हैं। मिस, हमें पढ़ाई को सिर्फ आसान नहीं करना है, उस पढ़ाई को हमें एंजॉय करते आना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉसिबिलिटी और एबिलिटी के लिए हम कौन से मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमें दो प्रकार नजर आते हैं, एक तो कैन और कुड। हमें पता है कि कैन वी यूज इन द प्रेजेंट फॉर्म एंड कुड इज फॉर द पास्ट टेंस एज सच। लेकिन फिर ये बी एबल टू क्या है, इसको जानने की जब हम कोशिश करते हैं तो हमारी समझ में कुछ बातें आती है। ये दो बातें हैं, नो पॉसिबिलिटी अबिलिटी और कैपेसिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट में आपकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, इनको बताने के लिए हम ये कैन एंड कुड का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज कैन एंड कुड फॉर दिस। और जब हम इधर आते हैं बी एबल टू की तरफ, तब हमें एक बात नजर आनी चाहिए दैट बी एबल टू इज यूज टू टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटीज and abilities they are for at all times, हर वक्त के लिए। means I am able to, he was able to, she will be able to, they will be able to, इस तरीके से हम किसी भी टेंस में जाकर या किसी भी तरह के मॉडल को इस्तेमाल करके, अनदर मॉडल को इस्तेमाल कर भी इसका यूज कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने इस टॉपिक को लिया है। Can and could is very much easy for every one of you. I know that you must have known these things already. कि आपको ये चीजें already पता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते be able to की तरफ, तो it is not only for showing or expressing the possibilities and abilities. But here is the important aspect and that is at all times. ये हमारे knowledge में थोड़ा सा इजाफा कर देता है। Means हमारे knowledge को सिर्फ enhance नहीं करता, एनरिच भी कर देता है। कैसे हम इसे देखने की कोशिश करते हैं यहां पर, लेट अस सी द एग्जांपल। यू नो द फिजिकल पावर, कैपेसिटी, नॉलेज एंड स्किल्स, इन चार चीजों के लिए हम इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं, इन तीनों को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। हमको इसको समझना है, बस एज अ स्पेसिमेन के तौर पर हम इसे समझना है। नो वी मस्ट अंडरस्टैंड इट एज अ स्पेसिमेन, एक नमूने के तौर पर जब हम देखते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, जब कोई ऐसा कहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि द बॉक्स इज अ बिट हैवी, बॉक्स हैवी है और आई कैन लिफ्ट इट, मीन्स दिस इज माई फिजिकल प्रोविस, फिजिकल पावर। और जब मैं कहता हूँ कि ही कुड हैंडल दिस प्रोजेक्ट अलोन, सो इट इज द मैटर ऑफ नॉलेज और कैपेसिटी और स्किल। या फिर मैं जब कहता हूँ कि शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, दिस इज अ मैटर ऑफ स्पीकिंग स्किल। तो इस तरीके से हम इन तीनों का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कैन इज फॉर प्रेजेंट, कुड इज फॉर पास्ट एंड इज एबल टू, नो दैट इज बी एबल टू इज फॉर ऑल टाइम्स। दैट्स इट, इतना आसान होता है। मुझे पता है ये बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन ये परमानेंटली अगर हमारे दिमाग में छपती है तो वी can do better in the examinations as such. Wish you all the best. Thank you very much.